हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 30 मई 2022। जैसे कि मैं आपको प्रॉमिस किया था, जब भी IRCTC का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आउट होगा तुरंत मैं आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। फाइनली दोस्तों आउट हो चुका है, और अच्छी बात यह है कि इस बार डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए फटाफट हम देख लेते हैं सबसे डिविडेंड का नोटिस। तो देखिए, कंपनी ने सबसे पहले डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, 1.5 रुपये पर इक्विटी शेयर। अब देखिए, ये एक मोनोपोली कंपनी है, अच्छा खासा रिटर्न भी कंपनी देता है, तो डेफिनेटली दोस्तों 1.5 रुपये का डिविडेंड हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर 1:5 रेशियो पे स्प्लिट भी हो चुका है लास्ट ईयर पे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, 1.5 रुपये का डिविडेंड ठीक ठाक यहाँ पे हम मान के चल सकते हो। तो दोस्तों, ये डिविडेंड का कोई भी रिकॉर्ड डेट या एक्स डेट कंपनी मेंशन नहीं किया, वो आगे चल के जब कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसके बाद ही फर्दर नोटिस भेज के हमें पता कर देगा। अभी हम दोस्तों चलेंगे एकदम सीधा नीचे कि कंपनी के क्वार्टर फोर रिजल्ट कैसा आया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं कंपनी द्वारा भेजा गया क्वार्टर फोर की रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना और हर एक पॉइंट को ऑब्जर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक सेकेंड, हर एक मोमेंट। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जितने भी नंबर्स है सारे इन लैक्स के फिगर पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाए, राइट। यहाँ पे पहले 2 और 3 क्वार्टर का टोटल यहाँ पे नंबर आउट हुआ है, जैसे कि ये तो करेंट क्वार्टर हो गया, मतलब मार्च 2022 का, ये हो गया लास्ट क्वार्टर यानी Q3 का रिजल्ट, और ये हो गया लास्ट ईयर मतलब मार्च 2021 का रिजल्ट। तो ये 3 क्वार्टर को एक साथ हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कंपनी का टोटल इनकम। टोटल इनकम आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर्स इनकम को ऐड करके, और शुरू से ही दोस्तों एकदम धमाका मचा दिया कंपनी। तो देखिए, इस क्वार्टर में IRCTC का जो टोटल इनकम हुआ है 716 करोड़ रुपए। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा फिगर इन लैक्स पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। टोटल 716 रुपीज़ का टोटल इनकम हुआ है, जो कि लास्ट क्वार्टर यानी दिसंबर 2021 पे कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 556 करोड़ रुपए। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम बात करें, कंपनी ने बहुत शानदार यहाँ पे जंप देखने को मिला। साथ साथ लास्ट ईयर की साथ अगर हम बात करें, तो लास्ट ईयर पे मतलब मार्च 2021 पे कंपनी का टोटल इनकम हुआ था 358 करोड़ रुपए। यानी अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए दोस्तों, रेवेन्यू के अंदर हमें ऑलमोस्ट दुगना होता हुआ नजर आया। तो ऑब्वियसली दोस्तों, कंपनी का जो रिजल्ट है टोटल इनकम के सेगमेंट पे तो बहुत ही शानदार आया। अब हम थोड़ा सा नीचे चल के देखेंगे कि कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस कितना आया, यानी कंपनी का खर्चा कितना हुआ। अब देखिए, आज की डेट पर अगर हम बात करें, चाहे बड़े कंपनी या छोटे कंपनी हो, एक्सपेंसेस के मामले में दोस्तों बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत यहाँ पे देखने को मिला। मतलब एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, जो कि ग्लोबल मार्केट में रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो बढ़ जाने के कारण। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, IRCTC का जो इस क्वार्टर में टोटल एक्सपेंसेस का नंबर आया 429 करोड़ रुपए। साथ साथ लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें, टोटल एक्सपेंस का नंबर आया था 274 करोड़ रुपए। यानी सीधी सी बात है कि कंपनी का टोटल इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे इंक्रीज हो चुका है। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, तो कंपनी का लास्ट ईयर पे एक्सपेंसेस का नंबर था 216 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक्सपेंसेस के नंबर ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जैसे हमने देखा कंपनी का रेवेन्यू के अंदर जंप आया, ठीक वैसे ही दोस्तों कंपनी का जो एक्सपेंसेस है, खर्चा है, उसके अंदर भी हमें साफ साफ जंप देखने को मिला। अब चलिए एकदम सीधा नीचे चलते हैं। तो ये भाई आप देख सकते हो, तो बहुत सारा टैक्स वगैरह भरने के बाद जो बचता है उसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या तो नेट प्रॉफिट कहा जाता है। तो कितना रुपये का नेट प्रॉफिट आया, तो ध्यान से देखना यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दोस्तों सबको शॉक्ड कर दिया। इस क्वार्टर में यानी मार्च 2022 क्वार्टर फोर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 213 करोड़ रुपए, 213 करोड़ रुपीज़, जो कि लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2021 पे कंपनी का नेट प्रॉफिट आया था 208 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत आपको जंप देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ऑब्वियसली रेवेन्यू के अंदर भी हमने देखा कि थोड़ा बहुत हमें जंप आया था, ठीक वैसे ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो टोटल नेट प्रॉफिट आया उसके अंदर भी हमें थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला। अब लास्ट ईयर के साथ अगर हम कंपेयर करें, जहाँ पे लास्ट ईयर मार्च 2021 पे IRCTC का नेट प्रॉफिट आया था 103 करोड़ रुपए, 103 से दोस्तों सीधा सीधा 213 करोड़ रुपये पहुंच गया, मतलब दुगना से भी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिला। सीधी सी बात है, कंपनी ने बम्पर रिजल्ट किया, सीधी सी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा नीचे चल के जो यहाँ पे बेसिक एंड डायलूटेड EPS मतलब अर्निंग पर शेयर के अंदर भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे जंप आया है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इस क्वार्टर में 2.67 का
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस जो कि लास्ट क्वार्टर में था 2.61 का, यानी यहाँ पे आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी जंप आया एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट के अंदर दुगना हुआ है, टोटल इनकम दुगना हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर है वो भी ऑलमोस्ट दुगना हो चुका है, दुगना से भी ज़्यादा हो चुका है। लास्ट ईयर पे था 1.30 का, इस क्वार्टर में होकर बढ़ के हो चुका है 2.67 का। तो ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों, मुझे तो ये जो रिजल्ट है या बैलेंस शीट है बहुत ही शानदार लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अभी हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि IRCTC का जो बिजनेस है वो बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग सेगमेंट पे कंपनी बिजनेस है। कहां से कितना रेवेन्यू आया है इस क्वार्टर में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का जो मेन रेवेन्यू सोर्स दो है, यहाँ पे एक हो गया केटरिंग बिजनेस, दूसरा हो गया इंटरनेट टिकटिंग, ये दोनों ही सोर्स से दोस्तों सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें केटरिंग बिजनेस से, इस क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू आया है 266 करोड़ रुपए, जो कि यहाँ पे सबको ताज्जब करके रख दिया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दुगना से भी ज़्यादा आया एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ज़्यादा आया। इसका एक मेजर रीज़न भी है क्योंकि हमने देखा था कि इसी क्वार्टर फोर के बीच में ऑलमोस्ट दोस्तों इंडिया के अंदर जो सारे रेलवेज था जो पहले जैसा कुक फूड यहाँ पे सर्व कर रहा था IRCTC, जिस ये एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिज्यूम हो चुका था ट्रेन, साथ साथ अगर हम बात करें रेल नील यानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, करीबन 51 करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू आया है रेल नील से, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी जंप आया एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे भी जंप आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरनेट टिकटिंग, यानी यहाँ पे से सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू आता है, जहाँ पे इस क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू आया है 292 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे दोस्तों एक शॉकिंग पॉइंट ये है कि इस बार देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे थोड़ा बहुत आपको गिरावट भी देखने को मिलेगा, और इसका एक बहुत ही मेजर रीज़न है, आपको याद होगा जनवरी के महीने पे दोस्तों इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट पे पार्शियल लॉकडाउन भी चल रहा था कोविड की थर्ड वेव की वजह से, तो बेसिकली यहाँ पे उतना ज़्यादा ट्रैवल वगैरह नहीं हुआ था, जिस वजह से टिकटिंग का सवाल ही नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि हमने देखा था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे थोड़ा बहुत गिरावट आया, बट हाँ अगर हम बात करें लास्ट ईयर के साथ तो काफ़ी अच्छा खासा हमें जंप भी देखने को मिलेगा। बट अच्छी बात यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टूरिज्म सेक्टर है और उसके साथ साथ जो स्टेट तीर्थ था ये एक बहुत ज़्यादा एडिशन हुआ है, जो कि लास्ट ईयर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देखिए स्टेट तीर्थ इस सेगमेंट से काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिला, देखिए जहाँ पे लास्ट क्वार्टर में था सिर्फ और सिर्फ 4.5 करोड़ रुपीज़ के आसपास, वही देखिए बढ़ के हो गया 25 करोड़, ऑलमोस्ट 26 करोड़ रुपये के आसपास। डेफिनेटली बढ़िया कंपनी काम कर रहा है, अपने जो बिजनेस है उसको और ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड कर रहा है, जो कि कुछ क्वार्टर से हमने देखा था टोटल 4 कंपनी का मेन बिजनेस था, आज की डेट पे देखिए स्टेट तीर्थ था जो कि टूरिज्म सेक्टर पर और एक यहाँ पे कंपनी एग्रेसिवली यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहा है और लगातार बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। तो डेफिनेटली ओवरऑल अगर हम बात करें कंपनी का जो बैलेंस शीट या क्वार्टर फोर का रिजल्ट, वो तो मुझे बहुत ही शानदार लगा और आज की डेट पर हमने देखा शेयर के अंदर काफ़ी अच्छा खासा जंप भी देखने को मिला। तो दोस्तों अब बात करेंगे IRCTC के ऊपर शेयर के अंदर, तो दोस्तों उसके पहले अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करने में। तो दोस्तों IRCTC की शेयर के अंदर आप देख सकते हो आज करीबन 6.5% के ऊपर जंप देखने को मिला, शुरू से काफ़ी तेज़ी था, बट हाँ बार बार आज की डेट पे 700 रुपये के लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस भी फेस किया। तो ऐसे सिचुएशन पे मैं आपको एकदम सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ कि देखिए आपके पास अगर शेयर है तो नो डाउट यहाँ पे होल्ड कीजिए, सेल करने की गलती मत करना, सॉलिड कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, चाहे हाई लेवल पे बाय किया चाहे लो लेवल पे, ठीक है कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी तगड़ा है। बट दूसरी पॉइंट, अगर आप बाई करना चाहते हो तो उस केस में मैं बोलूँगा अगर शेयर कल देखना ध्यान से कि 700 रुपये के ऊपर अगर पहुंच के स्टेबल हो गया तो उस केस में यहाँ पे बाई कर सकते हो, बट हाँ 700 रुपये का लेवल अगर ब्रेक नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली कल भी या रिवर्स हुआ मतलब गिरावट हुआ तो उस केस में मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा वेट कर जाइए शेयर को स्टेबल होने का, उसके बाद ही यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करने का प्लान करना। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट एंड स्मार्ट स्ट्रेटजी रहेगा IRCTC के अंदर। तो आपका क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली दोस्तों आपका वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट करके बताइए बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो के भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।